बाकी आज जो है ना जोजिला पास क्रॉस करना है, बहुत चढ़ाई हो चुका है सीन। मेरा जो ये पावर बैंक है ना, जहाँ से सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं जिन्होंने इंडिया को, हो कुछ 150 रुपीस का पड़ा है। अभी तक का सबसे बढ़िया कैंपिंग था मेरा यहाँ पर। अगली बार अगर बाबा बुलाया तो अगली बार जरूर दर्शन होगा। और बहुत ज्यादा ठंडी है बाहर, क्या बोलूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया, मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 286 और दो दिन से जो है ना मैं कैंपिंग लगा के स्टॉप ले रखा। लास्ट ब्लॉग देखा, एक कैंपिंग ब्लॉग बनाया था, उसके बाद एक दिन जो है ना मैंने बिना वीडियोस वीडियोस बनाए यहाँ पर स्टॉप लिया, इस नेचर का आनंद लिया। देखो एक बार इस नेचर को कितना बढ़िया है। और अभी सुबह सुबह उठ के जो है ना, मस्त देख सकते हो, मैगी बनाया हूँ। और आज जो है ना मैं राइड करने वाला हूँ। जिस दिन मैं स्टॉप लेता हूँ वो डे मैं गिनता नहीं हूँ, जिस वजह से दो दिन यहाँ पर स्टॉप लिया तो वो डे मैं नहीं गिन रहा हूँ। लास्ट राइड था मेरा गुंड से लेके सोनमार्ग 22 किलोमीटर का था, डे 285 का। बाकी अभी मस्त मैगी खाते हैं, उसके बाद टेंशन पैक करना पड़ेगा। मैगी मस्त खा लिया। और आप लोग जो है ना प्लीज़ मैगी के लिए कमेंट मत करना, मेरे पास अभी दूध नहीं था, नहीं तो मैं ओट्स ही बना के खाता। मैं अब खुद कोशिश करता हूँ कि मैगी ना खाऊँ तो ही बेटर है, क्योंकि मैगी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ट्रैवलिंग लाइफ में चलता है, खाना पड़ता है, क्या करें। बाकी टेंट वगैरह जो है ना ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। टेंट का मुंह था उस साइड में, लेकिन मैं फ़ोटो खींचने के लिए जो है ना इस साइड किया था, तो जो भी है थोड़ा बहुत फटाफट पैक कर लेते हैं। टेंट वगैरह पैक करके मैं खुद भी पैक होके ऊपर आ चुका हूँ। मैंने टेंट जो है ना वहाँ पर लगा रखा था, वो एक छोटा सा टेंट दिख रहा है ना दूर पे, वही पे। और एक बार नज़ारा देखो ना, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अभी तक का सबसे बढ़िया कैंपिंग था मेरा यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया लोकेशन था। आगे जाके जो है ना इससे भी बढ़िया बढ़िया लोकेशन मिलेगा टेंट लगाने के लिए। बाकी अभी टाइम जो है ना 11 बज चुका है। आज टेंट पैक करने में काफ़ी समय लग गया मेरे को। वैसे मेरे को टेंट पैक करने में 10 मिनट लगता है, लेकिन आज पता नहीं सेट ही नहीं हो रहा था पेनियर पैक के अंदर सामान वगैरह, तो थोड़ा सेट करके बनने में काफ़ी समय लग गया। बाकी आज जो है ना जोजिला पास क्रॉस करना है, बहुत चढ़ाई वाला 22-23 किलोमीटर का आज राइड होगा, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो देर ना करता हुआ जो है ना राइड को स्टार्ट कर लेते हैं। और आगे जो है ना सोनमार्ग मार्केट है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देंगे घुमा के। सोनमार्ग मार्केट में एंटर हो चुका हो, ये देख सकते हो कपड़ा वगैरह का दुकान लगा रखा है। और उस दिन मैंने एक राइडिंग ग्लास का दुकान देखा था, तो वहाँ से देखते हैं ग्लास व्लास लेने की कोशिश करते हैं। मिलता नहीं है राइडिंग ग्लास जल्दी, तो उधर ऑप्शन है, तो अभी पैसा भी है तो ले लेते हैं। तो मैंने जो है ना एक राइडिंग ग्लास ले लिया, देख सकते हो कुछ 150 रुपीज़ का पड़ा है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारा ग्लासेस है और बुटीन गैस वगैरह का भी ऑप्शन है सोनमार्ग मार्केट में ही, तो ले लिया। ये वाला चश्मा जल्दी मिलता नहीं है तो अच्छा ही है, अभी पैसा भी है साथ में, तो अभी रख देते हैं इसे अच्छे से। सोनमार्ग मार्केट में जो है ना ज़्यादा दुकानें नहीं है, कुछ ही दुकान है, कुछ राशन का, कुछ कपड़े वगैरह का और एक आधा बुटीन गैस वगैरह का दुकान है बस। और ज़्यादातर होटल्स है सोनमार्ग में, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है ना। और आज जो सबसे बड़ा परेशानी आना मेरे साथ में, मेरे पास दो पावर बैंक है, तो दो में से जो है ना एक तो पूरा डेड हो चुका है और एक थोड़ा टाइम में डेड होने वाला है, क्योंकि मैंने दो दिन कैंपिंग किया ना तो उधर चार्जिंग का कोई सोर्स नहीं मिला इसके वजह से, तो पता नहीं दिन भर ब्लॉग शूट कर पाऊँगा या नहीं। बाकी यहाँ चढ़ाई मिलने वाला है और अभी मेरे को इस रास्ते से जाना पड़ेगा, और ये नया रास्ता बन रहा है जो कि टनल होके जाएगा जोजिला पास, तब जो है ना क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट टनल से निकल जाएगा लद्दाख में। और आज शायद लद्दाख में एंटर कर जाऊँ, बाकी चलाते रहते हैं अभी आराम आराम से ये सुंदर सुंदर नज़ारे को देखते हुए। पैदल चढ़ते चढ़ते हालात ख़राब हो रहे हैं, थोड़ा बहुत डाउन मिल रहा है, ज़्यादातर जो है ना चढ़ाई मिल रहे हैं। बाकी अभी डेढ़ घंटा हो चुका है, तो मेरे को लग गया बहुत तेज़ी का भूख, कुछ है साथ में स्नैक्स वगैरह पड़ा हुआ वही सब खाते हैं। अभी तो असली चढ़ाई रह गया, 12:30 बज चुका है टाइम। और खाने के लिए जो है ना मेरे पास
ये नीम की पर अब नाकों से पानी निकलना चालू हो गया, चराय हो रहा ना बहुत ज़्यादा। ये निमकी खा लेते, वैसे थोड़ा टाइम में जो है ना लंच टाइम ही होने वाला है, और पीछे का नज़ारा चेक करो भाई कितना सुंदर है। बाकी मैं इसे खाता हूँ। पानी भी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही पानी है, आप पता नहीं पानी का सोर्स कहाँ मिलेगा। और जोजिला का बाद जो है ना सूखा पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा, जोजिला तक ऐसा ग्रीन ग्रीन पहाड़ है, उसके बाद सब सूखा पहाड़ मिलेगा। सोलो ट्रेवल का यही परेशानी है, एक बार कैमरे लगा के जाओ, दोबारा साइकिल खड़ा करो, दोबारा नीचे आओ, दोबारा चलो, बाकी कोई नहीं, यही सब है मस्ती। साइकिल चलाता हुआ मैं आके पहुंच चुका हूँ बालटाल सिटी में, उधर थोड़ा सा आगे सिटी है, तो यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा दुकान मिला था, तो यहाँ से मैंने कुछ सेब ले लिया, देख सकते हो 100 रुपये केजी था, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिस्काउंट लगाया, 80 रुपये लगा दिया, तो मैंने आधा केजी ले लिया। और अभी से जो है ना जोजिला स्टार्ट हो गया, आपसे पूरा ही चराई मिलने वाला है, तो आराम आराम से चरते रहते हैं। हो चुका है सीन, मेरा जो ये पावर बैंक है ना ये भी टोटली डेड हो गया, ये देख सकते हो, ये देखो टोटली ये भी ख़त्म हो चुका है। अब फ़ोन में बचा हुआ है 6% चार्ज, और आईफोन 12 मिनी का 6% यानी ना कि बराबर चार्ज, तो अब जो है ना और वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा, ये मेरा लास्ट टेक है। अब देखते हैं अगर कहीं पे चार्जिंग का सोर्स मिल गया तो कर पाऊँगा, नहीं तो अभी जोजिला पास पूरा स्टार्ट हो गया है। और ये है बालटाल सिटी जहाँ से कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होता है, मैं सोचा तो था करूँगा करके, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा, बंद हो चुका है इस बार, अगली बार देखेंगे, अगली बार अगर बाबा बुलाया तो अगली बार ज़रूर दर्शन होगा। तो अभी चाय अपना कंटिन्यू रखते हैं, और लंच पे जो है ना जो सेब वगैरह लिया ना वही सब खा लेंगे, और जोजिला पास में जो है ना चार्जिंग का शायद ही कुछ सोर्स मिलेगा, तो देखते हैं क्या होते हैं, चलते रहते हैं आराम आराम से। 4% चार्ज और बचा हुआ है, तो सोचा एक टेक और ले लेता हूँ। ये देखो ये सब चढ़ना पड़ेगा ऊपर ऊपर, ये सब चराई चढ़ के आ रहा हूँ, और वो देखो ये जो रोड देख रहे हैं ना इन सब पे। और तो फाइनली जो जोजिला पास था उसको चढ़ चुका हूँ मैं, और फोन बंद हो गया तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाया, बाकी ये देखो ये रोड था पूरा, बहुत खूबसूरत ये सफ़र था, ये जिग जग ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके अभी मैं आके पहुँच चुका हूँ, ये आई लव जोजिला लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हो। और फ़ोन जो है ना मैंने चार्ज किया, एक भैया यहाँ पर अभी रुका हुआ था ट्रक लेके, तो उसके पास से थोड़ा सा चार्ज किया, 6% चार्ज हुआ, अभी बंद हो जाएगा फ़ोन, तो मैं फटाफट जो है ना अभी रहने वहने का जगह देख लेता हूँ। 2 बजे के टाइम पे मैंने जोजिला पास चढ़ना स्टार्ट किया था, और अभी टाइम जो है ना 6:15 हो रहा है, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को चढ़ने में, क्योंकि बीच बीच में जो है ना बारिश भी हो रहा था, तो देखो सामान वगैरह सब गीला हो गया, बट कोई नहीं, ज़्यादा गीला नहीं हुआ, एक आधा फोटो क्लिक करके मैं फटाफट रहने वहने का जगह देखता हूँ। तो अभी जो है ना पैदल चल ही रहा हूँ, रहने वहने का जगह ढूंढ ही रहा था, तो यहाँ पर जो है ना कुछ भैया लोग मिले देख सकते हो, राजस्थान के, क्या नाम है भैया आपका? आशीष चौधरी झुंझुनू। अच्छा, और आपका? आशीष चौधरी झुंझुनू। सेम नाम है? सेम नाम है दोनों, नवीन चौधरी झुंझुनू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? झुंझुनू से, राजस्थान। राजस्थान से, झुंझुनू से, जहाँ से सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं झुंझुनू ने इंडिया को, राजस्थान से, उस जगह से सबसे ज्यादा सैनिक आते हैं, सबसे ज्यादा सैनिक है, सबसे ज्यादा शहीद भी है, और सबसे ज्यादा सैनिक भी दिए। अच्छा, तो भैया लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और राजस्थान का जो सपोर्ट था आप लोगों को दिखाया मैंने, बाकी भैया थैंक यू भाई। और किसी चीज़ की जरूरत हो तो भैया हमको बिल्कुल बताना, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, बिल्कुल ठीक है भैया। और जो आपका सेव अर्थ और सेव हेल्थ वाला जो ये जो लगा रखा आपने, इसको हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक है भैया। ओके 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 थैंक यू ठीक है भैया। भैया लोग तो चला गया, मैंने जो है ना थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लिया भैया लोगों की गाड़ी से, और एक बार नज़ारा देखो कितना सुंदर है, सूखा पहाड़ी स्टार्ट हो गया देख सकते हो,
अब हरा भरा पहाड़ और देखने के लिए नहीं मिलेगा, अब डायरेक्ट मिलेगा डायरेक्ट हिमाचल में जाके। जब तक लद्दाख में हूँ पूरा ऐसा ऐसा सूखा पहाड़ी, थोड़ा बहुत मिलेगा हरियाली बस और ज़्यादा नहीं, बाकी अभी रहने वहने का जगह देखते हैं क्या होता है। तो रात में रुकने के लिए जो है ना मस्त जगह मिल चुका है, एक जगह पे आके टेंट लगा लिया, साइड में आर्मी कैंप है, तो उधर ही एक आसाम का सर मिला था, तो उन सर ने जो है ना देख सकते हो मस्त खाने पीने के इंतज़ाम कर दिया है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, मस्त खाना पीना हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ठंडी है बाहर, क्या बोलो, बाकी अभी मैं इस खाने को खाता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरा नेक्स्ट डे, कल रात में खाना पीना खा के डायरेक्ट सो ही गया, ब्लॉग एंड करने का मौका ही नहीं मिला। बाकी देख सकते हो रात में इस ऐसा जगह पे टेंट लगाया था, ये आर्मी कैंप है और इधर एक कैफ़े है। तो अभी सुबह सुबह सब कुछ पैक कर रहा हूँ राइड स्टार्ट करने के लिए, और कल जो है ना मैंने लद्दाख भी एंटर किया था, तो आप सभी लोगों को स्वागत है लद्दाख में। जहाँ पर बॉर्डर था ना वहाँ पर फ़ोन में चार्ज ही नहीं था, तो इसकी वजह से वेलकम वाला वीडियो मैं बना नहीं पाया। बाकी मेरा पांचवा यूटी है ये लद्दाख, और आज वाला जो ब्लॉग होगा ना उससे शुरू हो जाएगा लद्दाख एपिसोड 1। तो फिर इस ब्लॉग को जो है ना यही पेंड कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आज का दिन पे ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।